श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल, देर से ही सही फल मिलता जरूर है। अब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एक आंधी तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करे, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करे। काबिलियत और किरदार जिंदगी के साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होगी तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वो फलेंगे जरूर। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है परंतु पेड़ को काट नहीं सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगे, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते।